बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। ठीक है, आज हमारा 16वां लेक्चर है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ड्रामा, ड्रामे का मफहूम और ड्रामा निगार पर तबसरा, ड्रामा निगार की ड्रामा निगारी पर तबसरा और ड्रामा निगार की हेडिंग तक पे, ड्रामा निगारी पर तबसरा हेडिंग के साथ हमने किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे बच्चों? आज हमारा टॉपिक है ड्रामा, और ड्रामा जिसका उनवान है आराम और सुकून। इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा जो आपकी किताब में मौजूद है, 12वीं जमात की पहला ड्रामा है, और आराम और सुकून, आराम और सुकून इम्तियाज़ अली ताज के बेहतरीन ड्रामों में से एक है। ठीक है, आज हम ये ड्रामा करेंगे जिसका नाम है आराम और सुकून। ठीक है, और ड्रामा निगार का नाम है इम्तियाज़ अली ताज। ड्रामे में क्या आता है बच्चों? बोर्ड के एग्जाम में ड्रामे का खुलासा आता है। सही है, खुलासा करना मैंने आपको बताया है कि खुलासा कैसे करते हैं। जब हमने नया कानून पढ़ा था तो मैंने खुलासा करना सिखाया था और साथ बताया था कि मुसन्निफ का तारुफ किस तरह पेश किया जाता है, फिर उसके बाद खुलासा लिखा जाता है, फिर उसके बाद हर्फ आखिर की हेडिंग दी जाती है। बिल्कुल इसमें भी हम कुछ इसी तरह करेंगे। ठीक है, खुलासा लिखेंगे, मुसन्निफ का तारुफ लिखेंगे और फिर हर्फ आखिर। हर्फ आखिर याद है ना बच्चों आप लोगों को? जिन बच्चों ने नया नया ज्वाइन किया है उन्हें बताती चलूँ कि हर्फ आखिर में हम वो हेडिंग लिखते हैं, हम वो चीज़ लिखते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस सबक से, इस कहानी से हमने क्या सबक लिया है। ठीक है, हमने क्या सीखा है इससे। ठीक है, हर्फ आखिर में ये चीज़ आती है। आज हम जो है आराम सुकून एक ड्रामा है, ड्रामे का मफहूम सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम सिंपल ड्रामा पढ़ेंगे। ड्रामा इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं, दो मरकजी किरदार हैं, मियाँ बीवी, जो मियाँ का नाम है मोहम्मद अशफाक और उनका बेगम अशफाक अहमद, मियाँ का नाम अशफाक अहमद और बेगम का नाम बेगम अशफाक है। ठीक है, इनका एक बेटा है और इनका एक लाजिम है ललू, जिसका कहीं जिक्र है दो तीन दफ़ा। ठीक है, ड्रामा कुछ इस तरह शुरू होता है कि अशफाक साहब जो अपने दफ्तर की मसरूफियात के बाइस बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर उनको मशवरा देता है, डॉक्टर आकर इनका घर पे चेकअप करता है और उनको मशवरा देता है कि वो आराम और सुकून का ख्याल रखें, क्योंकि आराम और सुकून जो है असाबी ताकत देता है और असाबी तकवीत होती है आराम और सुकून से, लिहाजा वो रेस्ट करें, घर में रहें। तो वो छुट्टी करते हैं और घर में रहते हैं, और जाते जाते डॉक्टर जो है एक पर्चे पे कुछ हल्की गज़ा का चार्ट बना के बीवी को देता है और कहता है कि इन्हें कोई खुदा न खास्ता बीमारी नहीं है, बस थोड़ी सी असाबी थकन है, आप इनको रेस्ट करने दें और ये थोड़ा सा आराम करेंगे तो ये बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इनको खाने में हल्की गज़ा दीजिएगा, और ये कह के डॉक्टर चला जाता है। ठीक है, अब जो है अशफाक साहब जो है अपनी बीवी से कहते हैं ठीक है अब मैं आराम करूँगा। अब बीवी जो है उनकी वो खामखा बोलती हैं और पूछती हैं, अच्छा सर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूँ, बोल क्यों नहीं रहे, अच्छा लेट जाओ। फिर भी उनको ख्याल आता है कि डॉक्टर साहब जो है पर्चा देकर कहते हैं वो कहाँ गया, वो ढूंढते हैं तो नीचे पड़ा होता है, कहते हैं लो ये नीचे पड़ा हुआ, वहीं बैठ खड़े खड़े वो खूब सारी बातें करती हैं, जबकि अशफाक साहब का दिल चाह रहा होता है कि वो थोड़ी देर आराम कर लें, और वो जो है लेट जाते हैं, इस वर्ष के तहत लेट जाते हैं। अब वो पूछती हैं कि अच्छा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूँ, कहते हैं नहीं, कहते हैं अच्छा क्या खाओगे, कुछ हल्की गज़ा का, अगर डॉक्टर ने कहा है बोलो तो यखनी बना दूँ, कहते हैं हाँ ठीक है, वो हाँ में जवाब दे रहे होते हैं। अब वहीं से खड़े खड़े मुलाजिम को आवाज़ देती है, लल्लू मुझे चूजा ला दे, चूजे की यखनी अच्छी होगी। अब वो कहते हैं भाई जाओ यहाँ से, मुझे आराम को आराम और सुकून की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा सोने दो। ठीक है, अब बेगम चली जाती हैं और अशफाक साहब जो हैं वो आराम और सुकून के लिए वो लेट जाते हैं और थोड़ा सोचते हैं आंखें बंद करके कि थोड़ा सा आज जब छुट्टी की है तो आराम कर लूँ। तो वो आराम के घर से जैसे आंखें बंद करते हैं तो उसी वक्त जो है एकदम बाहर से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, पानी वाला आता है और सक्का वाला जिसे कहा है वो आता है और पानी ले लो उसकी पुकार लगाता है। तो फिर उनकी बीवी चीखने चलाती जाती हैं कि तुम रोज़ कहा है किस वक्त पानी ना दिया करो, ये वो बाहर से उनकी चीखने चलाने की आवाज़ आ रही होती है, और चीखने चलाती हुई वो अंदर आती हैं और कहती हैं अच्छा मैं जा रही हूँ और ये घंटी साथ में रख देती हूँ, तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। सही है, आप घंटी ढूंढते हैं तो घंटी नहीं मिलती, कहती लो भाई, अब उस पर बढ़ाती हैं घंटी मैंने रात ही यहीं रखी थी, कहाँ चली गई, उसके पाँव लग गए, ये वो। तो उनके शौर कहते हैं भाई मुझे शोर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, सुकून दो मुझे और जाओ और कमरे का दरवाज़ा बंद करती हुई जाना। ठीक है, तो अभी बात ही हो रही होती है कि एक फकीर की आवाज़ आती है जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है,
जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तो वो कहते हैं अच्छा जाओ इसको तो फारिग करो जाकर। तो कहती है अब मैं तो उसको बुलाकर नहीं लाई, अपने शौहर से बहस करने लगती हैं, अब मैं क्या बोलूँ, अब खुद ही चला जाएगा। वो कहते हैं जाओ भी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसको फारिग करो। वहीं से खड़े खड़े फिर मुलाजिम को आवाज़ देती हैं और उसको वो फारिग करने को कहती हैं। फिर उनके शौहर कहते हैं भाई अभी काय की आवाज़ आ रही है, एकदम उनको चीखने वो कुछ कूटने की आवाज़ आती है, तो पता चलता है कि जो है इनका मुलाजिम लल्लू जो है वो रीठे कूट रहा होता है। तो वो खुद ही बताती है कि मुलाजिम लल्लू है रीठे कूटने को दिए। तो कहते हैं भाई जाकर इसको बंद कराओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम चाहता हूँ। कहती है अच्छा। फिर वो जाती हैं और मुलाजिम को मना करती हैं कि आओ बादशाह साहब। फिर थोड़ी देर सोने के घर से आँखें बंद करके लेटते हैं तो एकदम गाड़ी की पटपट की आवाज़ आने लगती है। उनका छोटा सा नन्ना सा बच्चा लकड़ी की गाड़ी चलाता हुआ जो है बहुत शोर कर रहा होता है। तो अपनी बेगम को बुला के बोलते हैं कि भाई इसको उसका खेल बंद कर, उसको बंद कर दो, गाड़ी की शोर से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उनकी बेगम कहती है अब मैं क्या करूँ, मेले से गाड़ी लेकर आया है, उसका दिल ही नहीं भरता, खेलता रहता है और फिर बच्चा वो गिर कर जो है उसको चोट लग जाती है, रोने लगता है। अब जब वो रोने लगता है तो जो है अशफाक साहब फिर आज आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसकी जो है शोर बंद कराओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो कहते हैं अच्छा जा। फिर वो पास हो जाती है तो वो बच्चे की शोर के बाद कम हो जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो अब सो लेटता हूँ थोड़ा सुकून से। आंखें बंद करके जैसे लेटते हैं तो उन्हें कमरे में घुटन का एहसास होता है और आवाज़ आने लगती है। एकदम आके बोलते हैं तो देखते हैं उनका मुलाजिम लल्लू जो है वो झाड़ू लगा रहा होता है। वो लल्लू को कहते हैं जाओ यहाँ से। कहते बेगम साहिबा जो है नाराज़ होंगी, उन्होंने कहा झाड़ू लगा, कहते जाओ यहाँ से, मुझे मेरी जो है तबीयत ख़राब है, मैं अभी नहीं लगाऊँ। फिर वो मुलाजिम को फारिग ही करते हैं कि एकदम से तेज़ हारमोनियम की आवाज़ आने लगती है कि जो हारमोनियम बजा, हारमोनियम एक साज है जिसे बजा के गाने की प्रैक्टिस की जाती है। तो वो कहते हैं अपनी बेगम से कहते हैं कि भाई जाओ उनको एक पर्चा लिख के भेजो कि आज अगर हारमोनियम नहीं बजाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी और मेरी तबीयत कुछ नासाज है। उनकी बेगम कहती है अच्छा मैं लिख दूँ, कहीं बुरा ना मान जाए। कहते हैं आप जल्दी से लिखो। अब जो बेगम लिखना शुरू करती हैं तो वो लिखती चली जाती हैं। फिर उनके कहते हैं भाई क्या लिखने बैठ गई, जल्दी करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है इस हारमोनियम की आवाज़ से। लेकिन मुझे बेगम कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं लिखूँ उनको बुरा लग जाए, कुछ हो जाए, उनसे मुसलसल बोलती रहती है, ठीक है, किसी तरह चुप नहीं होती। और जो है आखिर में सच आके वो शौहर साहब जो होते हैं उठते हैं और कहते हैं कि कहते हैं हाँ उनसे कहते हैं कि अच्छा बाहर जाओ, जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके चली जाना। बेगम बाहर चली जाती है, जैसे ही वो बाहर जाती है कहते हैं चलो सुकून से मैं लेट जाऊँ। आगे बंद करके लेटते हैं तो फ़ोन की घंटी बज जाती है। फ़ोन की घंटी बजती है तो वो कहते हैं चलो अब फ़ोन अपनी बेगम को आवाज़ें देते हैं लेकिन वो नहीं आती, नाचार उनको फ़ोन कर फ़ोन उठाना पड़ता है। फ़ोन जैसे उठाते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है उनकी बेगम की, कोई सहेली होती है वो उनसे बात करना चाह रही होती हैं। तो अशफाक साहब कहते हैं मेरी तबीयत नासाज है, मैं अभी जा नहीं सकता, लिहाजा आपको जो भी पैगाम देना दे दीजिए। और वो ना सुनते हैं और बंद कर देते फ़ोन। और इसी वक्त उनकी बेगम को अपने में दाखिल होती है और पूछती है किसका फ़ोन था और तुम खड़े क्यों हो, तो मैं तो डॉक्टर ने आराम कर मैं कहा है और आराम करो, लेट जाओ सो जाओ। तो वो कहते हैं मैं क्या सो जाऊँ, मैं तो फ़ोन बज गया था तो मैं फ़ोन सुन रहा था। कहते किसका फ़ोन था, कहे पता नहीं। कहते मुझे फ़ोन उठा ही लिया था तो पूछ लेना था। कहते कोई साहिबा थी, कहते क्या काम था, कहते मुझे क्या पता, नाम पूछा, कहे नहीं। कहते नाम पूछ लेते क्या हुआ, कहते भैया मुझे परेशान नहीं करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कहते आप मुझे मुफ्त की उलझन में डाल दिया, पता नहीं कौन थी और क्या चाहती थी। तो कहते हैं जाओ जाके मेरी टोपी और शेरवानी ले लो, अपनी बेगम से बोलते हैं। तो आशा साहब कहते हैं क्यों क्यों टोपी और शेरवानी किस लिए, तो कहते हैं दफ्तर जाऊँगा आराम और सुकून के लिए, ठीक है। तो ये था आराम और सुकून का खुलासा। अब इससे क्या सबक मिलता है हमें, हर के आखिर में हम इसके कहते हैं कि जब इंसान भी बीमार हो सकता है, उसे भी उसकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो भी थक सकता है। जब इंसान बीमार हो तो उसकी आराम के लिए ख्याल रखना चाहिए। और उनकी बेगम ने जो है इतना शोर मचाया कि उनको जो है ज़रा भी आराम ना मिल सका। लिहाजा हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, ठीक है। बच्चों ये था खुलासा आराम सुकून का, मैंने समझा दिया। ड्रामे का चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ होता है। मैंने आपको जो ड्रामे का मफहूम बहुत तफसील के साथ समझा दिया, ड्रामा निगारी के तबसरे में क्या क्या हेडिंग आती है वो भी समझा दिया, ड्रामे के मुसन्निफ यानी ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज का तारुफ और उनकी जो हेडिंग्स आती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और अब मैंने आपको ड्रामे का खुलासा भी समझा दिया, ठीक है। अब आपका करना ये है कि आपको होम असाइनमेंट में इस ड्रामे का खुलासा हवाले और हरफ आखिर के साथ लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये ड्रामे का चैप्टर हमारा क्लोज होता है। अब हम नेक्स्ट
जो हम हमारा लेक्चर होगा उसमें हम हिस्सा शायरी में से कुछ पढ़ेंगे। अभी हमने हिस्सा नसर में से पढ़ा, अब नेक्स्ट जो है हम हिस्सा शायरी में से पढ़ेंगे। ठीक है, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।